दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि क्या इंडिया के अंदर टेलीग्राम बैन हो जाएगा। दो दिन पहले से ये खबर आ रही है कि टेलीग्राम इंडिया में बैन होने वाला है। इसकी जो पूरी जो खबर है, क्या मसला है, इसके बारे में जानेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन क्यों लिया है कि टेलीग्राम को बैन कर दिया जाए। अब से आप टेलीग्राम पर फ्री कॉन्टेंट नहीं उठा पाओगे। जो जो टेलीग्राम यूजर उनको पता है मैं फ्री कंटेंट किसके बारे में कह रहा हूँ, ठीक है। फ्री कंटेंट हर टाइप का आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। तो अब बात करते हैं कि टेलीग्राम का पूरा मसला क्या है बैन होने का कारण। मैं आपके लिए ये वीडियो दो दिन बाद ले के आ रहा हूँ क्योंकि मैं फ़िलहाल दो दिन से बिजी चल रहा था, मेरे पास एक भी मिनट का टाइम नहीं था इसकी अपडेट देने का। और मैं आपके लिए वीडियो ये इसलिए डाल रहा हूँ बना के क्योंकि मैं आपको टेलीग्राम के रिगार्डिंग वीडियोज प्रोवाइड करता हूँ, टेलीग्राम के बारे में टिप्स देता हूँ कि आप टेलीग्राम को कैसे यूज कर पाओगे। तो भाई अब टेलीग्राम बंद होने वाला है तो इंडिया में जितने भी यूजर उनको बताना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई साहब जो टेलीग्राम के जो सीए हैं वो इनको फ्रेंच एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया। अब इनकी कहानी सुनेगा आप अरेस्ट होने की क्या है, ठीक है आगे चलते हैं। भाई सबसे पहले टेलीग्राम के सीईओ जो पावल ड्यूरो हैं इनके पास सिटीजनशिप और नागरिकता रशिया की, फ्रांस की, यूएई की और भाई साहब सेंट किट्स जैसे देशों की। अब फिलहाल जो भाई साहब जो पावल ड्यूरो हैं इनके 12 केस चल रहे हैं फ्रांस में, ठीक है। इन्होंने रशिया को छोड़ दिया था, ठीक है ना, रशिया को इन्होंने 2014 में छोड़ दिया था और 2014 के बाद ये रह रहे हैं दुबई में। अब आगे चलते हैं भाई साहब, यहाँ पे देखो जो इनके साथ बताया जा रहा है जो मिस्ट्री गर्ल यूलिया वाइवोलिया, ठीक है ये इनका नाम है और इनको मिस्ट्री गर्ल के नाम से भी जाना जा रहा है और ये रशियन वोमेन है, ठीक है। और ये क्या है, एक क्रिप्टो ट्रेनर है, ठीक है। अब सुनेगा भाई साहब इनकी कहानी और ये दोनों से जुड़ी हुई है जो अरेस्ट का मामला। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हनी ट्रैप और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे वर्ड्स, ठीक है। ये मेरे कुछ भी नहीं है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, जैसे जैसे न्यूज आर्टिकल्स में जो जो बातें आई वही बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे अपने तरफ से कुछ भी नहीं है। तो भाई फिलहाल ये दोनों 6 महीने पहले दुबई के अंदर मिले थे, ठीक है। तो भाई साहब ये आ रहे थे अजरबैजान के बाकू से पेरिस, ये दोनों एक साथ आए अजरबैजान के बाकू से पेरिस। और पेरिस आते आते जो हमारे पावल ड्यूरो हैं टेलीग्राम के सीईओ वो भाई वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इनकी गिरफ्तारी तय थी फ्रांस आने के बाद क्योंकि 12 केस ऑलरेडी चले हुए थे क्रिमिनल के, ठीक है। और ये जैसे जैसे जो पावल ड्यूरो हैं ये पेरिस आए और भाई साहब जो ये यूलिया वाइवोलिया है ये यहाँ से लापता हो जाती है, ठीक है। और भाई साहब इनको कर लिया जाता है अरेस्ट। अब यहाँ पे जैसे न्यूज आर्टिकल में लिखा गया है कि भाई साहब जो यूलिया वाइवोलिया है इनका नाम, ये भाई साहब इनको हनी ट्रैप कर रही थी। यानी कि हनी ट्रैप का मतलब क्या होता है कि जब कोई लेडीज एक पुरुष को अपनी ओर अट्रैक्ट करे कोई भी मतलब राज खुलवाने के लिए, ठीक है, ये जो इसलिए हनी ट्रैप कहते हैं कि मतलब कुछ ये इनको अपनी तरफ अटैक करके जो क्रिमिनल जो कुछ बात थी वो ऐसे उगलवाना चाहती थी। और साथ ही भाई साहब मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है, ठीक है, ऐसा ऐसा बताया जा रहा है। ये कहानी है टेलीग्राम के सीईओ को अरेस्ट होने की। अब भाई साहब आगे बढ़ते अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, इंडियन गवर्नमेंट का क्या इसमें रोल है, इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है। अब आगे सुनिए, सबसे पहले एक जो चौंकाने वाली बात देखिएगा, बिग प्रॉफिट क्या है टेलीग्राम का। ये तो भाई साहब आप समझ गए होंगे कि भाई साहब टेलीग्राम के जो सीईओ हैं इनको क्यों अरेस्ट किया गया है। अब सुनो भाई साहब, आश्चर्य की बात यह है कि टेलीग्राम के 1 बिलियन यूजर्स हैं और जो टेलीग्राम के अंदर सिर्फ 30 टीम मेंबर्स हैं जो टेलीग्राम के यूजर्स के ऊपर ध्यान रख पाते हैं, ये कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। और कंपनी का मार्केट आप यहाँ पे देखिएगा 2.5 लाख करोड़ का है, ठीक है, और यहाँ पे 30 मेंबर काम करते हैं। ये बड़ी एक आश्चर्य चीज़ है देखने को। टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स बढ़ाने चाहिए ताकि क्रिमिनल एक्टिविटीज ना हो पाए इस तरीके की, ये जो चीज़ें ध्यान नहीं दे रहे हैं टेलीग्राम के सीईओ, बट ये देना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का क्या रोल है। भाई साहब इंडियन गवर्नमेंट का रोल ये है कि आईटी मिनिस्ट्री और भाई साहब होम मिनिस्ट्री, आईटी मिनिस्ट्री ने भाई साहब होम मिनिस्ट्री को
होम मिनिस्ट्री को लेटर भेजा है, ठीक है, और उन्होंने कहा है कि जितने भी टेलीग्राम के खिलाफ जो भी एक्टिविटीज़ हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज आई हुई हैं, उनके ऊपर आपको रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है। अगर रिसर्च करने में टेलीग्राम दोषी पाया जाता है, टेलीग्राम के खिलाफ कुछ एविडेंस मिलते हैं, तो टेलीग्राम बैन हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि जो टेलीग्राम के माध्यम से जो क्रिमिनल्स को, जो आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है, उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इसलिए भी टेलीग्राम को इंडियन गवर्नमेंट बैन करना चाह रही है। तो कुल मिला के अब बात करते हैं कि भाई साहब क्या अब टेलीग्राम है वो बैन हो जाएगा, बैन हो गया है। देखो, जब तक अच्छी तरीके से जांच नहीं शुरू होती, जांच में कुछ एविडेंस या कुछ नहीं मिलता है, तो टेलीग्राम बैन नहीं हो सकता। अगर कुछ प्रूफ मिल जाता है तो टेलीग्राम बैन हो जाएगा। और अब ये जो डिसीजन है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर है, वो अपना क्या डिसीजन लेती है क्या नहीं लेती है, जब तक जांच के अंदर कुछ नहीं आता हम कह नहीं सकते कि भाई जब टेलीग्राम बैन हो जाएगा। जिस दिन ऑफिशियल कह दिया जाएगा कि भाई हाँ टेलीग्राम इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर बैन कर दिया है, उसके लिए भाई साहब मैं आपको वीडियो लेके आ जाऊंगा, उस टाइम पे आपको बता दूंगा क्या डिसीजन लेती है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। पूरी जो केस की खबर है मैंने आपको समझा दिया है, आप समझ गए होंगे क्या मसला है, और आपकी क्या राय है कि इंडिया के अंदर टेलीग्राम बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में डालना। आपके क्या कुछ क्वेरीज हैं वो भी डाल देना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए टेक्निकल वीडियोज लाता रहता हूँ।